हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं पायल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एल्गो क्रैप का वीडियो ट्यूटोरियल। कल के वीडियो में हमने MT5 टू MT5 कॉपियर के लिए होने वाले जरूरी सेटअप के बारे में बात की थी और आपको प्रॉमिस भी किया था कि कल हम लाइव ट्रेड करेंगे। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आज हम लाइव ट्रेड करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कॉपियर कौन कौन से फीचर्स के साथ आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट्स भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल हमने सेटअप कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम मास्टर अकाउंट में ट्रेड लगाकर देख सकते हैं। जो भी ट्रेड हम लगाएंगे वो स्लेव अकाउंट में ऑटोमेटिकली दिखे। तो देखिए, ये मैंने मास्टर अकाउंट में एक ट्रेड लगाई जो कि मेरे स्लेव अकाउंट में ऑटोमेटिकली प्लेस हो गई। इसी तरह से हम किसी भी सिंबल में ट्रेड लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सब अकाउंट्स में लग जाती है। स्लेव फाइल की बात करें तो ये आपके मास्टर अकाउंट की तरह काम करती है, लेकिन ये सिर्फ कॉपी करने का काम करती है। इस फाइल में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक ट्रेड ना हो तो आप इस फाइल में सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपको स्लेव फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं तो पहले आपको चार्ट पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें आपको एक्सपर्ट लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही एक विंडो खुल जाएगी जहां आपके एक्सपर्ट एडवाइजर्स की लिस्ट होगी। वहां आप अपने सिलेक्टेड ईए जो स्लेव फाइल से रिलेटेड होता है तो क्लिक करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही स्लेव फाइल की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने खुल जाएंगी, जिससे आप एक एक करके उन्हें चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट ट्रेड टाइप्स। यहाँ आपको दोनों मार्केट और पेंडिंग ऑर्डर एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता है। आप दोनों टाइप्स के ट्रेड्स को स्लेव अकाउंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों टाइप्स के ट्रेड्स को स्लेव अकाउंट में कॉपी कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सेप्ट ट्रेड मोड। इस सेटिंग से आप डिसाइड करते हैं कि आपको सिर्फ बाय ट्रेड्स, सेल ट्रेड्स या दोनों ट्रेड्स एक्सेप्ट करने हैं। यहाँ बोथ बाय एंड सेल सिलेक्टेड है, मतलब दोनों तरीके के ट्रेड्स आपके स्लेव अकाउंट में कॉपी होंगे। नंबर 3, ट्रेड टाइप्स। यहाँ रेगुलर ट्रेड सिलेक्टेड है, मतलब जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस होता है वही फॉलो होगा। नंबर 4, अगर आप रिवर्स ट्रेड पे क्लिक करते हैं तो मास्टर अकाउंट में बाय का ट्रेड प्लेस करने पर स्लेव अकाउंट में सेल का ट्रेड होगा। अगर आप मास्टर अकाउंट में सेल का ट्रेड प्लेस करते हैं तो स्लेव अकाउंट में बाय का ट्रेड प्लेस। मैनुअल क्वांटिटी ऑन ऑफ। अगर आपको मैनुअल क्वांटिटी सेट करनी है तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैनुअली लॉट्स डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेड मल्टीप्लायर ऑन ऑफ, इस ऑप्शन से आप अपने ट्रेड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑन है तो आपका सेट मल्टीप्लायर उस ट्रेड पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सिलेक्टेड है तो 1 लॉट का ट्रेड 2 लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 6, कॉपी स्पेसिफिक सिंबल ऑन ऑफ। ये सेटिंग डिसाइड करती है कि आप स्पेसिफिक सिंबल्स पर ट्रेड कॉपी करना चाहते हैं या नहीं। अगर फॉल्स है तो सारे सिंबल्स पे ट्रेड्स कॉपी हो जाएंगे। नंबर 7, कस्टम सिंबल्स। आप यहाँ सिंबल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएडी, यूरो जीबीपी। सिर्फ इन सिंबल्स पे ट्रेड कॉपी होंगी अगर आप कॉपी स्पेसिफिक सिंबल को ऑन करते हैं। नंबर 7, सिंबल फिल्टर ऑन ऑफ। कई बार मास्टर एंड स्लेव अकाउंट में एक ही सिंबल के नाम अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर मास्टर अकाउंट में यूरो यूएसडी लिखा है तो स्लेव अकाउंट में यूरो यूएसडी सी, यूरो यूएसडी एम, यूरो यूएसडी एनएन ऐसा कुछ लिखा होता है, जिसकी वजह से ट्रेड कॉपी होने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप सिंबल फिल्टर को ऑन कर सकते हो। ऐसा करने से ये सिंबल के आगे वाले 6 करेक्टर को मैच करके ट्रेड प्लेसमेंट कर देता है ना कमाल का फीचर। चलो अब आगे का समझते हैं। नंबर 8, ट्रेड टाइमिंग ऑन ऑफ। आप यहाँ स्पेसिफिक टाइमिंग सेट कर सकते हैं जब आपका स्लेव अकाउंट ट्रेड एक्सेप्ट करेगा।
अगर ऑन है तो आप ट्रेड फ्रॉम और ट्रेड टू टाइम भी सेट कर सकते हैं। 9 स्क्वायर ऑफ टाइम ये सेटिंग डिसाइड करती है कि आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज कब होगा। यहाँ 20 o'clock सिलेक्टेड है, मतलब रात 8 बजे के बाद आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। नंबर 10 मैजिक नंबर, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो स्पेसिफिक ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि सिस्टम में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस सेटअप की खासियत ये है कि आपको अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करने का मौका मिलता है। चलिए अब एक और जरूरी बात करते हैं, अगर आप अपने MT4 या MT5 प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट एडवाइजर बनवाना, नए इंडिकेटर्स डेवलप करना, या फिर एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना, तो हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन या डेवलपमेंट का काम हो तो आप हमें बिना झिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूरत के मुताबिक सब कुछ कस्टमाइज कर देंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको MT5 टू MT5 कॉपियर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और MT5 टू MT5 कॉपियर की डिमांड कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।